बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई 1.7 लाख भर्ती का एडमिट कार्ड जारी किया है। जिन भी उम्मीदवार ने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया है वो अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि एडमिट कार्ड में अभी एग्जाम सेंटर का खुलासा बीपीएससी ने नहीं किया है। एडमिट कार्ड पर सिर्फ जिस जिले में एग्जाम सेंटर होगा उसका नाम दिया गया है। एग्जाम सेंटर के बारे में बिहार लोक सेवा आयोग 21 अगस्त को सूचना जारी करने वाला है। बीपीएससी ने कहा कि वह एग्जाम सेंटर कोड की जानकारी 21 अगस्त को उपलब्ध करवाने वाला है। उम्मीदवार 10 से 20 अगस्त तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जारी किए गए नोटिस के अनुसार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 24, 25 और 26 अगस्त को किया जाना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए और उम्मीदवार ऑफिशियल साइट bpsc.bih.nic.in पर जा सकते हैं। जिन भी उम्मीदवार ने इस टीचर भर्ती के लिए आवेदन किया है उन्हें बीपीएससी की तरफ से परीक्षा निर्धारित सेंटर पर एग्जाम दो दो शिफ्ट में आयोजित करवाया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट 3:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले जाना होगा। एग्जाम सेंटर पर उम्मीदवार एडमिट कार्ड और एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जरूर जाएं, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवार परीक्षा समय की समाप्ति के बाद इस्तेमाल की गई ओएमआर आंसर शीट को सील बंद कराने के बाद ही परीक्षा हॉल को छोड़े। इस लिखित परीक्षा में शामिल हुए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40%, ओबीसी को 36.5%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 34%, दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% नंबर लाने होंगे। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।